हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमिक्स का, वो वीडियो नंबर टू इकोनॉमिक्स का है। तो एक दो आंसर मैंने पढ़ा दिया था बीओपी, आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आए हम लोग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम तुमने तो सुना ही होगा, ठीक है। इसको WTO भी बोलते हैं, राइट। WTO ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को। पर इसके पहले की क्या कहानी है, क्यों इस्टेब्लिश हुआ, आओ थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते फटक से। इसके पहले गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड, ये 1948 को इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें अमेरिका इसका मेंबर नहीं था। इसका मेन इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था मालूम है, ताकि आपस में ट्रेड बने, कोई भी कंट्री में रिस्ट्रिक्शन ना हो। ये अच्छा चला, पर बाद में अमेरिका मेंबर नहीं होने के कारण वो अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्ट्रांग कंट्री थी, क्योंकि ज़्यादा मतलब उभर 1945 में जापान के साथ तो वर्ल्ड वॉर हुआ, बाद में वो स्ट्रांग निकली, बाद में सुपर पावर बन गई। सुपर पावर बनने के बाद उसने गैट को रिप्लेस करके WTO इस्टेब्लिश किया, और जिसमें मोर देन 200 कंट्रीज के मेंबर, इंडिया भी इसका मेंबर है, राइट। तो WTO क्या करता है मालूम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन एम क्या है, पूरे वर्ल्ड की कंट्री एक साथ ट्रेड करेगी, पूरी वर्ल्ड की कंट्री एक साथ क्या करेगी, ट्रेड करेगी। ट्रेड के रिलेटेड जो भी मैटर रहेगा, डिस्प्यूट रहेगा, WTO उसको सॉल्व करेगा, और जो भी चीज़ की जरूरत रहेगी, इन्फॉर्मेशन रहेगा, WTO उसको सप्लाई करेगा। तो WTO का मेन काम क्या है, पूरे वर्ल्ड में फ्री ट्रेड हो, कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब ट्रेड चलता रहेगा तो सबका पैसा होता रहेगा। तो इसमें अमेरिका बहुत दिमाग लगाता है ताकि इसको सब चीज़ मिले, ठीक है। तो ये WTO का अपना इंट्रोडक्शन हो गया। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, दो तीन पॉइंट डाल के अपन इंट्रोडक्शन करके एग्रीमेंट पे आने का है, WTO के एग्रीमेंट्स आने वाला है। तो WTO का मेन रीज़न क्या है, इस्टेब्लिशमेंट का, ट्रेड करने के लिए, गैट को रिप्लेस करके आया था। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो भी मेंबर्स कंट्री है 180-200 मेंबर, वो मेंबर्स नेशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ट्रेड के रिलेटेड, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, मतलब सब कंट्री एक दूसरे कंट्री को ट्रीटेड इक्वली। WTO के हिसाब से सब कंट्री ट्रेड के रिलेटेड एकदम इक्वल है, इस तो पहली खास बात होती है। और आपस में क्या होगा, फ्री ट्रेड होगा, क्या होगा, लिबरलाइजेशन होगा, ज़्यादा बैरियर्स नहीं रहेंगे, रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। और कंपटीशन अच्छा रहेगा। और क्यों WTO क्या कर रहा है, ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपस में डेवलपमेंट भी होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। और इसका मेन एम क्या है WTO का, ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट। ट्रेड के रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट रहेगा, ये इसको सेटल करता है, नेगोशिएशन करता है, डिस्कशन करता है, इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है, ये सब तुम लोग WTO की मीनिंग डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा WTO का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या टॉपिक आएगा, एग्रीमेंट्स आएगा। WTO के अलग अलग एग्रीमेंट्स बने थे, तो एग्रीमेंट्स के पहले शॉर्ट फॉर्म में नाम पढ़ते हैं, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फिर ट्रिम आएगा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रिम। फिर ट्रिम के बाद एक है गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड एंड सर्विस, सर्विस फेयर है। फिर के AOA, एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर गुड्स। तो अपनों का मेन है आगे का तीन पढ़ना, बाकी का तीन बेसिक आप लोग रीड कर लेके आ जाएंगे। तो फर्स्ट है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इसमें क्या आ गया माने में क्या, कॉपी राइट्स आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, पैटर्न आ गया, डिज़ाइन आ गया। तो कोई भी कंट्री अपना, कोई भी कंट्री की कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, तो वो सोचती है कि मेरा प्रोडक्ट कोई वर्ल्ड में कॉपी ना करे, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, उसका कॉपी राइट करती है, ट्रेडमार्क ले लेती है, तो WTO से साइन कर लेती है। WTO से उसको क्या मिल जाता है, उसको लाइसेंस मिल जाता है। फिर कोई भी कंपनी की कंट्री अगर ये इसका प्रोडक्ट कॉपी करेगी, तो इसको क्या करेगा, ये केस करेगा, फिर इन्फ्रिंजमेंट का बेनिफिट मिलेगा। तो इसके रिलेटेड तुमको लिखने का, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटेंट। तो ट्रिप्स चार लाइन मीनिंग लिख के, इधर का कॉपीराइट, पैटेंट, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन बना, थोड़ा 6 पॉइंट लिख के खत्म कर देने का। एक ये टॉपिक हो गया तुम्हारा ट्रिप्स, ठीक है। ट्रिप्स बोले तो क्या हो गया, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटेंट, डिजाइन के ऊपर इसने क्या बनाया, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, एग्रीमेंट बनाया, है ना। कैसे तुम उसको खरीद सकते, खरीदने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब तुमको कोई भी चीज़ कॉपी करना है तो तुमको उसको पे करना पड़ेगा। तो जो कंट्री ओरिजिनल वर्क है वो सेव रहेगा, राइट। तो ये उनको फायदा था। नेक्स्ट क्या है, इसमें फायदा किसका, डेवलपिंग कंट्री का था, और नुकसान किसका, डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। ट्रिम्स, ट्रिम्स किसके रिलेटेड था, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसमें क्या होता है मालूम है क्या, इन्वेस्टमेंट मेजर्स आर क्रूशियल फॉर इंपैक्ट ऑफ ट्रेड फ्लो, मतलब इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, मतलब बाहर का पैसा इंडिया में आ सकता है, वो पैसा कहीं भी लगा सकते हैं, इंडस्ट्री में, कंपनी में, डेवलपमेंट में, तो कितना पैसा लेना है, इसके कारण उसके ऊपर गाइडलाइन बनाया था। किसने गाइडलाइन बनाया था, WTO ने। तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मिशन, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड क्या बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एग्रीमेंट बनाया। तो एग्रीमेंट ऑन ट्रिम प्रोहिबिट्स इन्वेस्टमेंट मिशन इन कंसर्न विद नेशनल ट्रीटमेंट और प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, अदर मेथड्स सच एज लोकल इक्विटी रिक्वायरमेंट,
लोकल एम्प्लॉयज इन फॉरन फर्म, रेमिटेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन प्रॉफिट ऑफ फॉरन फर्म, फॉरन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन कंट्रोलिंग सब इम्पोर्ट इम्पोर्ट, मतलब ये सब चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बाहर का पैसा ले सकते कुछ लिमिट तक कुछ हद तक, वो समझा गया। तो एक इन्वेस्टमेंट मेजर्स के बाद पढ़ने का था, राइट, इन्वेस्टमेंट। और थर्ड क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड इन सर्विस। सर्विस मतलब होता है फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, है ना, ट्रांसपोर्ट, तो इसके रिलेटेड मेन बना था। इसका मेन क्या था, सर्विस को बढ़ाना चाहिए, राइट, टू एक्सपांड द ट्रेड इन सर्विस, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल द ट्रेडिंग पैटर्न या कंपनी जो भी WTO में इन्वॉल्व है, आपस में लेन देन करे, सर्विस एक्सचेंज करे और आपस में ट्रेड क्या है बढ़े, तो ये सर्विस के रिलेटेड था। तो तीन एग्रीमेंट हो गया तुम्हारा, किसके ऊपर, ट्रिप्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क, ट्रिम इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, गैट्स सर्विस के ऊपर है, और एक क्या है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे जो भी टैरिफ था वो हटाया, टैरिफ मतलब होता है टैक्स कम कराया, मार्केट को बढ़ाया और एक्सपोर्ट सब्सिडीज कम कर दिया। तो ये किसके ऊपर एग्रीमेंट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये सब तुमको एग्जाम में आने का चांस है। तो क्या आएगा, WTO ऑर्गेनाइजेशन और उसके एग्रीमेंट से दो ही आएगा एग्रीमेंट, तुम उसमें 3, 4, 6, 8 लाइन का मीनिंग बना दिया और मीनिंग अच्छे से बना देना, और कोई भी आया तो दोस्त को एक्सप्लेन करा देना, है ना। तो क्या क्या अपन ने पढ़े, है ना, ट्रिप्स, ट्रिम, गैट्स और AOA। AOA बोले तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा चैप्टर था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैंने 8, 9, 10 कंप्लीट किया है, धीरे धीरे जैसे टाइम मिलता रहेगा वैसे बनाते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।